हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखिए बहुत ही अच्छा होम रेमेडी जो लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए ही बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, स्किन के लिए और लिप्स के लिए होम रेमेडी है। ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, तो इसके जितने सारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपको घर में मिल जाएंगे। तो मैं बता दूँ कि ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं क्या क्या हैं। पहले तो मैंने ये चीनी लिया हुआ है, शुगर जिसे बोलते हैं, और ये मैंने डाबर हनी ले लिया है 1 टेबल स्पून, और ये मैंने लेमन ले लिया है। हनी आपके फेस को बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट करता है, और ये जो आपके फेस पे स्पॉट्स होते हैं उनको भी दूर करता है, और लेमन जो है ये ब्लीचिंग का काम करता है। इन तीनों चीज़ों को मैं ऐड करके बहुत ही अच्छा एक स्क्रब बनाऊंगी, जो आपके लिप के लिए बहुत बेटर रहेगा, और साथ ही साथ आपके फेस के लिए भी बहुत ही अच्छा स्क्रब। और तो मैं आपको बता दूं कि इसे कैसे मिक्स करेंगे और कैसे यूज़ करेंगे। अगर आप इसे लिप पे यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा सा आपका जो ये मैंने शुगर लिया है इसे थोड़ा आप और दरदरा कर लीजिए। आप ये जो मैंने लिया है ये देख लीजिए, ये थोड़ी मोटी मोटी है मेरी जो चीनी है, तो आप इसे थोड़ा और पतला का उसके बाद इसको यूज़ करिएगा। तो आप इसको अपने फेस पे 4 से 5 मिनट तक रख सकते हैं। 1 मिनट आप थोड़ा सा स्क्रब कर लीजिए, और अपने लिप पे आप 1-2 मिनट तक रब कर सकते हैं। डेड स्किन होते हैं वो इसके स्क्रब से निकल जाते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है आपके लिप के लिए। आपके लिप को ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट करेगा, और पिंक अगर आप इसे डेली यूज़ कर रहे हैं तो इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होने वाला है। ये जो मैं मिक्सर बना रही हूँ ये सन टैन के लिए फ़ायदेमंद होता है, तो इसे आप कहीं भी आपके अगर टैनिंग हो गया है आपके हैंड्स पे, लेग पे, तो आप इसे वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। बस उसमें क्या करना है कि आपको इसको नींबू के साथ, ये जो लेमन है उसके साथ आप रब करिए, तो बहुत ही ज़्यादा मिक्सर बनाऊंगी इसको। आप फिर सन टैन के लिए आप इसे लेमन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। बट ये लेमन जो है आप फेस पे मत रब करिएगा, इसे सिर्फ अपने हैंड और लेग पे यूज़ कर। मैं इसका जो ये मिक्सर बनाऊंगी वो बहुत ही ज़्यादा थिक या फिर बहुत ही ज़्यादा थिन नहीं होना चाहिए, नॉर्मल इसका लिक्विड बनना चाहिए, जो आपके फेस पे आप आराम से इसे मिक्स करके लगा सकते हो। तो मैं इसका देखिए मैं कैसे इसका लिक्विड बना रही हूँ। इसमें थोड़ा सा ही लूँगी, आप चाहें तो आप थोड़ा सा इसका और ये जो शुगर है इसको और दरदरा करके ही लगाइएगा। ये देखिए मैंने सिर्फ इसे इतना ही डाला है, और फिर ये थोड़ा सा ये इतना हो गया। अब इसमें थोड़ा सा मैं लेमन जो है इसका ड्रॉप डाल दूँगी, इसके सीड को मैं निकाल दूँगी जब मैं इसे लगाऊँगी, तो इसके सीड को मैं निकाल दूँगी। ये देखिए तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, तो इसे कॉलेज गोइंग गर्ल्स, इसे लड़के और लड़कियां दोनों यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा नेचुरल है, और ये आपके स्किन को बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और शाइनी बनाएगा। और साथ ही साथ थोड़ा थोड़ा ये इसमें जो मैंने ये लेमन डाला है इससे क्या होगा कि ब्लीचिंग का भी काम करता है, तो आपका फेस जो है वो ग्लो का फेयर भी हो जाएगा। तो ये नेचुरल थिंग्स है, तो आपका इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं आपके स्किन पे, आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। इसको आप 1 से 2 दिन तक अपने फ्रिज में रख के यूज़ कर सकते हैं, किसी से नॉर्मल कटोरी में रख के आप इसको 1 से 2 दिन यूज़ कर सकते हैं। इससे आपका सन टैन भी दूर होता है। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे मैं अगर कोई भी अफोर्डेबल होम रेमेडी लाऊंगी तो आपको फटाक से पता चल जाएगा, और आप आराम से मेरे चैनल को खोल के देख सकते हैं। मेरी जो होम रेमेडीज़ है ये बहुत ही ज़्यादा नेचुरल होती है, मैं ज़्यादा इसमें एक्सपेंसिव थिंग्स यूज़ नहीं करती हूँ, तो आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं, ये नेचुरल भी होती है। तो आप कोई भी एक्सपेंसिव चीज़ परचेज करते हैं तो उससे आपका थोड़ा पैसा भी खर्च होता है, और बहुत लोग होते हैं जो उतने एक्सपेंसिव चीज़ खरीद नहीं पाते हैं, और सोचते हैं अगर उनको सन टैनिंग हो गई या फिर उनको अपने फेस पे इंस्टेंट ग्लो चाहिए तो सोचते हैं क्या यूज़ करें। तो आप ये सब जो नेचुरल थिंग्स हैं आप ये सब यूज़ कर सकते हैं, तो आपको इससे आपका क्या होगा फेस पे इंस्टेंट ग्लो भी आ जाएगा, और अगर आप डेली बेसिस पे इसे यूज़ करें तो आपके फेस पे थोड़ा फेयरनेस धीरे धीरे आ जाएगा, और आपका स्किन जो है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉटलेस हो जाएगा, पिंपल्स के दाग धब्बे होते हैं वो भी दूर हो जाएंगे। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।